हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। आज पॉलिटी सेक्शन का हम लोग करने वाले हैं कुछ और पार्ट, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट है क्या? देखो, पहली बात तो हमारे भारत में अगर देखते हैं हम लोग न्याय प्रणाली, तो न्याय प्रणाली जो है हमारे यहाँ, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, हमारे यहाँ न्याय प्रणाली एकीकृत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे न्याय प्रणाली जो है वो एकीकृत न्याय प्रणाली को हम लोग यूज किए हैं, एकीकृत न्याय प्रणाली का हम लोग यूज किए हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, एकीकृत या फिर विकेंद्रीकृत। ठीक है, विकेंद्रीकरण अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग विकेंद्रीकृत वाला नहीं रहेगा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ प्रणाली कौन सा रहेगी? एकीकृत, क्योंकि CDS के एग्जाम में ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय न्याय प्रणाली के संदर्भ में, मतलब भारतीय न्याय प्रणाली किस प्रकार की है, एकीकृत, विकेंद्रीकृत और दो तीन मतलब दो ऑप्शन और था। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली है? एकीकृत न्याय प्रणाली है। और इसमें कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आएगा सुप्रीम कोर्ट, उसके फिर अलग अलग राज्यों में क्या है, हाई कोर्ट्स हैं, और उसके अंदर हम लोग के कौन से सेशन कोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो ये सारे, ये हमारी ये प्रणाली क्या कहलाती है, एकीकृत न्याय प्रणाली कहलाती है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब हमारे यहाँ अगर हम लोग कोर्ट वाला सिस्टम देखते हैं ना, प्रॉपर कोर्ट सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था ना, तो 1774 में स्टार्ट हुआ था। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, मतलब 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके अंतर्गत 74 में क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे, मतलब अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बनाना। पहला क्वेश्चन क्या दिया, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, देखो हम लोग के यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग न्यायाधीश रहे हैं। मतलब जैसे स्टार्टिंग में देखते हैं, जब हमारा मतलब संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे कितने न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं हम लोग कितने थे, एक मुख्य न्यायाधीश। देखो कोई भी, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, दोनों ही जगह क्या रहता है, एक रहेंगे चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, मुख्य न्यायमूर्ति रहेंगे, उसके बाद फिर उनके साथ में और भी न्यायाधीश रहते हैं। ठीक है, ये अन्य न्यायाधीश हो गए और ये मुख्य न्यायाधीश हो गए। ऐसे ही होते हैं हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं, हाई कोर्ट में भी रहते हैं, दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पहले क्या था ना, 1947 को नहीं बोलते हम लोग, 50 बोलते हैं, संविधान लागू हुआ उसके बाद से गिनते हैं। तो स्टार्टिंग में कितने थे, 1+6, मतलब टोटल 7 न्यायाधीश थे, उसमें से एक कौन थे, मुख्य न्यायाधीश। ऐसे सिस्टम थे, तो ऐसे ही चलते चलते अगर हम लोग देखते हैं 2019 में लास्ट टाइम चेंजेस लाया गया, इसमें संख्या बढ़ाई गई, मतलब बीच में और भी बहुत बार संख्या बढ़ा है। हम लोग देखते हैं लेटेस्ट वाला डाटा 2019 का, 2019 में कितने थे, 33 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश। तो इस तरह हमारे अभी वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में हाई मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश है, टोटल 34। टोटल न्यायाधीश बोला जाए तो 34, अगर सिर्फ न्यायाधीश बोला जाए तो 33, और एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। तो अगर हम लोग देखते हैं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बात अगर नियुक्ति की जाए तो नियुक्ति सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अदर अन्य न्यायाधीश हो, सभी की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कैसे करेंगे, जो इनका ना एक कॉलेजियम सिस्टम होता है ना, कॉलेजियम सिस्टम। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसमें रहते हैं सबसे मेन रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो इसके हेड रहेंगे। अब इनके अंडर में इनके दो वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, इनके जस्ट बाद दो वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य रहेंगे इस कॉलेजियम सिस्टम के। अब इनका क्या काम है, कॉलेजियम सिस्टम का मेन काम क्या है, सबसे पहली बात तो जजेस की नियुक्ति करना है, उसके बाद फिर जजेस का ट्रांसफर करना है अलग अलग जगह। जैसे मतलब अगर हम लोग देखते हैं मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट से अगर कोई आता है, बिलासपुर हाई कोर्ट आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो मतलब उसका अगर शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो उसका भी काम किसका है, कॉलेजियम सिस्टम, मतलब कॉलेजियम बनेगा ना, जजेस का कॉलेजियम बनेगा, उसका काम है ये सब चीज को देखना। ठीक है, मतलब जजेस से रिलेटेड मेन मेन जितना भी काम है ना, सबको कौन डिसाइड करता है, कॉलेजियम, मतलब कॉलेजियम बनेगा पहले जजेस का, उसके बाद फिर उसका डिसीजन रहता है। अब जो जो जस्टिस है ना, अदर जस्टिस हैं, जितने भी जस्टिस हैं, तो उन सभी का जो मतलब जजेस हैं जो, ठीक है, उनका
ये लोग चुनेंगे जरूर, ये लोग कॉलेजियम सिस्टम से मतलब नियुक्ति किया जाएगा कि हाँ, ये वाले मतलब इन इन इनको बनाया जाए, हाई कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाए, या फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट का बना रहे, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कॉलेजियम सिस्टम है, तो ये लोग डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेने का काम किसका है? कॉलेजियम सिस्टम का। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी को सजेस्ट करते हैं कि हम लोग इनको इनको चुने हैं, इनको आप बना दीजिए, और इसका बात मानना राष्ट्रपति के लिए कंपलसरी है। यहाँ पर उनका बात को मानेंगे, यहाँ पर इनका विवेक अधिकार काम नहीं करता। अब ये मान लेंगे और जिसको जिसको बोले रहेंगे नहीं लोग, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति करता है, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जिसको जिसको बोलते हैं उसको उसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, मंत्री बनाते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी सिस्टम है। अब यहाँ पर जो चीफ जस्टिस को भी चुनेंगे ना ये लोग, चीफ जस्टिस लोग को भी यही लोग चुनेंगे, उसके फिर बताएंगे इनको, और फिर मतलब ये मतलब नियुक्ति पत्र देते हैं राष्ट्रपति जो है, नियुक्ति पत्र देते हैं। अब नियुक्ति पत्र हो गया, अगला हम लोग देखते हैं, नियुक्ति पत्र हो गया यहाँ पर। अब हमारा क्या काम है राष्ट्रपति जी का, अब अगला काम देखते हैं हम लोग। कॉलेजियम सिस्टम से हो गया, राष्ट्रपति से ये बन गए, चीफ जस्टिस बन गए, या फिर अदर जस्टिस जो बन गए, यहाँ पर बात मानना अनिवार्य है। बट यहाँ पर इसी को चेंज करने के लिए ना, यहाँ पर क्या था, बात मानना कंपलसरी हो गया था, और यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर भी हस्तक्षेप करना चाहती थी, तो वो क्या बनाई थी, NJAC का गठन की थी, NJAC। अब इस NJAC में कौन कौन रहेगा, ये कॉलेजियम सिस्टम में जो जो रहेंगे वो तो रहेंगे ही, साथ में दो व्यक्ति मतलब दो मतलब न्यायविद रहेंगे, ठीक है, दो न्यायविद रहेंगे, जिसको कौन मतलब वो करेगा, चुनेगा, जो हमारे इन न्यायविदों को कौन चुनेगा, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि इनको इनको हम लोग चुने हैं, और इनको इनको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं NJAC में वो लोग। अब संख्या बढ़ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर सवाल क्या उठता है, कॉलेजियम सिस्टम में पहले अभी तक क्या हो रहा था, न्यायालय जो है स्वतंत्र था, टोटली स्वतंत्र, अपने काम में इसको कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं था, जिसको चुनना था उसको चुनते थे। तो यहाँ पर अब हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया, तो जब भी हस्तक्षेप होता है या फिर मूल ढांचे में अंतर आता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, इसको नल एंड वॉइड कर देता है, खत्म कर देता है कि नहीं ये तो गलत है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ये क्या कहलाता है हमारा, न्यायिक सक्रियता, और साथ ही क्या कहलाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन, दोनों ही चीज का यहाँ पर काम आया, और यहाँ पर NJAC को खत्म कर दिया गया। तो अभी किस प्रणाली से चुना जाता है, कॉलेजियम सिस्टम से, ठीक है। तो अगर हम लोग नियुक्ति कौन करता है अगर बोला जाए, तो कौन करता है यहाँ पर, राष्ट्रपति। नियुक्ति करता कौन है, इसको एक्चुअली ये सजेशन रहता है ना, ये जो देते हैं ना सजेशन लिस्ट रहता है कि हाँ, ये लोग हैं ऐसे करके, और उसको सजेशन को मानना कंपलसरी रहता है इस केस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं। अब भी जस्ट हम लोग देखे परामर्श किससे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वो, और जो मतलब उनके मतलब कॉलेजियम बनेगा ना, तो और फिर जो जो वरिष्ठ दो वरिष्ठ न्यायाधीश जो रहेंगे वो, मतलब सर्वोच्च न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के जस्ट बाद के जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे उनमें से दो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन देख लेते ना, हुम डज द प्रेसिडेंट कंसल्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ऑप्शन नंबर ए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। देखो अब ये बहुत हो चुका है ना कि जो हमारे भारत की जो न्याय प्रणाली है वो किस देश से प्रेरित है, तो हमारे यहाँ मिक्स मतलब देखो, हमारे यहाँ ब्रिटेन का भी कुछ सिस्टम है, और कुछ सिस्टम है हमारा अमेरिका का भी, ठीक है। पूरी तरह से ब्रिटेन की तरह भी नहीं है, पूरी तरह से हम लोग का क्या है, अमेरिका की तरह भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे यहाँ, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर, अगर सिर्फ तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बोलते हैं ना, द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडहॉक जज इज इन द सुप्रीम कोर्ट इज द इंस्पायर्ड बाय द जुडिशियल सिस्टम ऑफ विच कंट्री, किस देश की कंट्री मतलब जुडिशियल सिस्टम से हम लोग इस चीज को लिए, एडहॉक जजेस का कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिए, तो इसको कहाँ से लिए हम लोग, फ्रांस से लिए हैं, फ्रांस, ठीक है, यूएसए से भी नहीं लिए हैं, कनाडा से भी नहीं लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं लिए हैं, क्योंकि देखो अगर हम लोग देखते हैं एकीकृत न्याय प्रणाली की बात अगर हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग कहाँ से लिए, यूएसए से लिए। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कुछ सिस्टम ऐसा है
जो हम लोग पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग पूरी पूरा से, अगर हम लोग को सेक्टर वाइज अलग अलग पूछते हैं ना, तो हम लोग अलग अलग बताना पड़ेगा कि जैसे एडहॉक जैसा पूछ दिया तो पर्टिकुलर फ्रांस इसका आंसर होगा, ब्रिटेन मतलब यहाँ पर अमेरिका नहीं आएगा, यूएसए नहीं आएगा। और ब्रिटेन ब्रिटेन से समानता क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के लिए जो क्या बोलते हैं हमारे लिए, अच्छा चलिए उसमें जब वो वाला सेक्टर पहुंचेंगे हम लोग तब फिर देखते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है, कौन कर सकता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा। तो यहां पर भी नियुक्ति का काम तो राष्ट्रपति का ही है, पहली बात नियुक्ति का हर काम कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन इसको सजेशन कौन देगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो हम लोग देख लेते हैं, हु कैन अपॉइंट एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। तो नियुक्ति तो करेंगे कौन, राष्ट्रपति। तो हम लोग नियुक्ति को राष्ट्रपति कहाँ कहाँ, एक यहाँ है एक यहाँ पर है, दो जगह बोलता है, और ये वाले में आंसर क्या बोलता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। तो अगर हम लोगों को कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो यहाँ पर आंसर ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों ही सही है। अब इस केस में जब दो चीज सही हो जाता है, जैसे आपका भाई है छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, दोनों लड़ाई किए, अब छोटा भाई भी सही है छोटी बहन भी सही है, अगर दोनों अपना अपना पक्ष बताए, दोनों का बात तो सही लग रहा है, लेकिन ज्यादा बदमाश कौन है, छोटा भाई है, और गड़बड़ी की शुरुआत भी कौन किया था, छोटा भाई किया था, तो वहां पर गड़बड़ी मतलब उसको मारोगे किसको मारोगे, डांटोगे किसको डांटोगे, छोटे भाई को, ठीक है छोटी बहन को नहीं डांटोगे, क्योंकि वहां पर गलत कम है, गलती कम है, या फिर बोला जा सकता है एक ज्यादा सही है एक कम सही है। तो यहाँ पर सही दोनों ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ये ज्यादा सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली वहां पर बता दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश परामर्श देगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति उसको बनाएंगे तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ज्यादा मतलब सही और ज्यादा सही में से एक चुनना रहता है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान से लगाएंगे। अब देखो यहां पर आते हैं हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। अब यहां पर देख लेते हैं हम लोग, अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश बनना चाहता है ना, या तो उसमें कौन कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, कि मतलब जो हमारा चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस तो बाद में बनेंगे, ठीक है पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज होना चाहिए इसमें, इसको अनुभव रहना चाहिए। अब अनुभव रहेगा तो किस टाइप का अनुभव, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि कम से कम इतना होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ बोल दिया गया कि भारतीय होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें दो और कंडीशन है ना, अब वैसे कंडीशन एक ही है, भारतीय होना चाहिए पहली बात। तो दूसरा दूसरा केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति को, ठीक है 5 वर्ष तक, कहाँ 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में लगातार, यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखने की है कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक अगर वो जज थे, जज रहे हैं, ठीक है तब उनको, वो भी क्या है लगातार, ऐसा नहीं कि रुक रुक के 2 साल हुए उसके बाद फिर तीसरे साल में निलंबित कर देते उसके बाद फिर अगले 3 साल, तो ऐसे में नहीं होगा, लगातार 5 वर्ष तक उनको हाई कोर्ट के, किसी भी हाई कोर्ट का, हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट है टोटल, अगर देखते हैं हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं, उन 25 हाई कोर्ट्स में किसी एक में, या फिर अगर मतलब टाइम इंटरवल के बाद, जैसे अगर छत्तीसगढ़ में 2 साल तक रहे अगर कोई, उसके बाद फिर एमपी गए, एमपी में उनका ट्रांसफर कर दिए, वहां 2 साल थे, उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसफर कर दिए बॉम्बे में, ठीक है तो बॉम्बे में 1 साल तक थे, तो यहाँ पर 5 साल ऐसे भी हो जाते हैं, या तो अकेला एक ही राज्य से मतलब एक ही राज्य के हाई कोर्ट से, एक ही हाई कोर्ट से 5 वर्ष तक लगातार काम किया हो, या फिर अलग अलग राज्य हैं तो उसमें भी टोटल मिला के कम से कम 5 वर्ष का उनको जज बनने का अनुभव रहा हो, ठीक है। तो उसको लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। अब तीसरा एक और कंडीशन है कि अगर ये वाला तो हो गया, अगर ये वाला कंडीशन नहीं है तो फिर उस केस में और क्या हो सकता है, 10 वर्ष तक क्या होगा, वकालत का अनुभव, 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो कहां, किसी भी हाई कोर्ट में, वो भी लगातार,
यहाँ पर भी केस है लगातार 10 वर्ष तक। अब ऐसा लगातार इन 10 के मतलब लगातार है, इसका मतलब ये नहीं है कि छुट्टी ही नहीं लिया, ऐसा वाला नहीं है, छुट्टी अलग बात है, लेकिन निलंबित कर देते हैं, रोक देते हैं, काम वाम बंद करवा देते हैं, या फिर वो अपने से रिजाइन दे दिए रहते हैं, तो उसका केस अलग रहता है, ठीक है। यहाँ पर लगातार 10 वर्ष तक क्या है वकालत का अनुभव होना चाहिए, वो भी कहाँ, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर ये सारी क्वालिटीज हैं तब फिर क्या होगा उसको, मतलब उसको गिनती में शामिल किया जाएगा कि हाँ इसको बनाया जा सकता है ऐसे करके। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त तो होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, एडवोकेट वाला, देखो एडवोकेट वाला अनुभव कितने वर्ष का होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना है 10 वर्ष। तो आंसर आ क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स अ पर्सन शुड बी एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके प्राप्त है। देखो हमारे पास यहाँ पर ना दो चीज आ जाता है ना, हमारे पास आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 में क्या बोला गया है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 में का जो फोर्थ क्लॉज है उसमें क्या बताता है, देखो मतलब आर्टिकल 32 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो रिट प्रदान किया गया है, रिट, ठीक है। अब रिट जो है हमारे पास, मतलब जो हमारे पास इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति है, और आर्टिकल नंबर 226 में किसके पास है, हाई कोर्ट के पास ही शक्ति है। अब ये दोनों शक्ति, ये दोनों के पास बस शक्तियां हैं, किसी और कोर्ट के पास ये शक्तियां नहीं है। तो अगर संसद चाहे ना, संसद चाहे तो ये शक्ति प्रदान कर सकती है किसी और कोर्ट को, ठीक है। कोई कोई जैसे मतलब अगर हम लोग देखते हैं, अगर कोई कोर्ट फॉर एग्जांपल जैसे दुर्ग, अच्छा दुर्ग में तो नहीं है हाई कोर्ट, अगर हम लोग, हाँ चलो ठीक है दुर्ग कहीं ले लेते हैं ना, दुर्ग में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब यहाँ पर ऐसा जरूरत पड़ जाता है कि यहाँ के जजेस को रेट प्रदान कर, मतलब रेट जारी करने की शक्ति दी जानी चाहिए। मान लेते हैं अगर कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया, गवर्नमेंट को लगा, संसद को लगा, और संसद वहां पर एक प्रस्ताव पारित कर दी कि ये वाला जो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, यहाँ पर भी अब क्या होगा, रेट जारी करने की शक्ति होगी यहाँ के न्यायाधीशों को, तो वहां पर जारी कर सकते हैं। ये कहाँ पर दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 32 के सब क्लॉज 4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो यही बात है, अगर एक तो यहां पर यह बात है किसी और कोर्ट को यह पावर दिया जा सकता है कि नहीं, साथ ही अगर हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का अगर जो अधिकार क्षेत्र है, कुछ अधिकार क्षेत्र है जैसे परामर्श देने का अधिकार, अगर राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेना है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही लेगा। अपीलीय अधिकार देखा जाए, मूल अधिकार देखा जाए, मतलब इनका कुछ मौलिक अधिकार है अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, वो मूल अधिकार जो हमारे मूल अधिकार से थोड़ा अलग है ना भाई। और तो जैसे अगर राज्यों के बीच भी वो हो जाता है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना दो राज्य के बीच, जैसे एमपी और सीजी दोनों के बीच किसी को कोई टॉपिक को लेके विवाद हो गया, तो इस विवाद पे निर्णय भी कौन देगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट देगा, ये इसका मूल अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का ये मूल अधिकार है कि सबसे पहले तो मैं ही डिसीजन दूंगा भाई, ऐसे वाला। तो यहाँ पर तो अगर अगर इसके ये इसको बोलते हैं, अभी इसका अधिकार क्षेत्र को अगर बढ़ा रहे हैं, और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं ना, जो पहले अधिकार नहीं था लेकिन अब अधिकार किया जा रहा है, तो ये किसके पास है कि उसको पावर बढ़ा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई राष्ट्रपति, संसद, या फिर मंत्रिपरिषद, हु हैज द राइट टू इंक्रीज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, संसद, ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि नहीं अब से ये वाला नियम भी, मतलब अब से ये वाले क्षेत्र पर भी अधिकार होगा किसका, सर्वोच्च न्यायालय का। जैसे अगर हम लोग देखते हैं नदी विवाद होता है ना, तो उसके लिए वाटर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, ठीक है, वाटर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है कौन से, आर्टिकल नंबर 262 के अंडर, ठीक है। अब यहाँ पर अब जो भी जितना भी विवाद होगा ना, अगर मतलब नदी घाटी से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है, तो सीधा सीधा किसके पास जाएगा, वाटर ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। बट अगर हम लोग देखते हैं अगर इसका क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिए कि अब वाटर ट्रिब्यूनल के मतलब पहले भी कौन डिसीजन लेगा, सुप्रीम कोर्ट, तो ये अगर चेंजेस लाना है तो कौन लाएगा इसको चेंजेस, संसद, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारा, अब आता है अगला हमारा, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। देखो ये कौन से आर्टिकल में बोलेगा, इसका आर्टिकल नाम ध्यान रखे रहना, ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है, ठीक है, जो इंग्लिश है ना उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करता है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 348।
विच लॉ स्टिपुलेट्स दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो लैंग्वेज है ना वो कौन सा है, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर देखा जाए तो फिर वो इंग्लिश है। और ये कौन सा आर्टिकल में लिखा है, वो आर्टिकल नंबर 348 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करती है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसका क्या करते हैं इंस्पेक्शन करती है। विच इंस्टीट्यूशन कैन बी सुप्रीम कोर्ट इंस्पेक्ट, यूनियन कैबिनेट, पार्लियामेंट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, अधीनस्थ न्यायालय, निर्वाचन आयोग। अब देखो यहाँ पर समस्या कहाँ पर होगा, निर्वाचन आयोग भी लगता है, अधीनस्थ न्यायालय भी लगता है, संसद भी लगता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी लगता है, सबका निरीक्षण कर सकता है ऐसा लगता है। ठीक है, कैसे लगता है, माइंड में क्या आएगा ना जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर आंसर बहुत सारा हो सकता है, वहां पर क्या होता है कि सबसे पहले तो ये लगता है कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर कोई डिसीजन ले लिया तो अगर वो डिसीजन गलत है तो उसको कौन खत्म कर देता है, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देता है, नहीं ये वाला चीज ठीक नहीं है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से लगता है कि ये भी इसका भी निरीक्षण करता है। संसद अगर कोई नियम कानून बना के ला दिया जो कि गलत है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, खत्म कर देता है कि ये तो सही नहीं है ऐसे करके। तो इस तरह से देखा जाए तो संसद का भी निरीक्षण करता है ऐसा लग रहा है ना। देखते हैं फिर वहां पर क्या होता है। निर्वाचन आयोग, अच्छा निर्वाचन आयोग का तो सिस्टम नहीं लग रहा है, अधीनस्थ न्यायालय। अब अधीनस्थ न्यायालय जो रहेंगे उस समझो सबऑर्डिनेट कोर्ट रहेंगे, वो लोग के में क्या होता है कि अगर मतलब कोई कोर्ट गड़बड़ी कर रहा है या गलत डिसीजन दे दिया या फिर ऐसा डिसीजन ले मतलब ऐसे टॉपिक पे डिसीजन दे दिया जो उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर है, तो ऐसे में क्या करता है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट रहता है ना उसको रोकता है कि नहीं भाई तू मत कर, इसको मेरे पास भेज, इसको ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है ऐसे करके। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो इसका भी निरीक्षण कर दिया, बट यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बस होगा, अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब ये दोनों आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कानून बनाएंगे ना उसके ऊपर निरीक्षण करते हैं प्रॉपरली, ये लोग कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, ये सब में निरीक्षण नहीं करेगा, वो देखेगा कि कहाँ पर मतलब कानून, जब जब तक कानून नहीं बनेगा, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा रहता संसद के कानून पर, संसद द्वारा निर्मित कानून पर ऐसे करके, तो वहां पर भी दो चीज रहता है, एक तो उनके मतलब पीआईएल डालना पड़ता है पहले, दो दो केस रहता है ना, या तो पीआईएल डालो मतलब जो मतलब हम लोग जनहित याचिका बोलते हैं ना उसको पहले इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा, पहला केस ये। दूसरा केस ये अगर कोई बहुत ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है ना, पूरे पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने आप उसको समझ आ जाता है कि हाँ इसको अपने से लेना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं स्वतः संज्ञान लेना। ठीक है, स्वतः संज्ञान मतलब अपने से ही वो मतलब कोर्ट राइडी मतलब वो तैयार हो जाता है इस पर डिसीजन देने के लिए, कोई उसके ऊपर केस नहीं किया लेकिन वो अपने से डिसीजन लेता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निरीक्षण की बात की जाए ना तो कौन करता है, अधीनस्थ न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हम लोग कि जो हम लोग डिसीजन लेंगे ना मतलब ये लेंगे मतलब राष्ट्रपति को अगर लगता है कि कोई कुछ गड़बड़ी है, ठीक है कोई कानून बन के आया लेकिन वहां पर कुछ गड़बड़ी है, तो अब वो गड़बड़ी को सुधारना है। अब सुधारे तो सुधारे कैसे, सजेशन किससे लिया जाए, तो ये क्या करते हैं राष्ट्रपति क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से ना वो लेते हैं ना एडवाइस लेते हैं कि क्या किया जाए ऐसे केस में। तो एडवाइस देने वाला कौन है, राष्ट्रपति को कौन एडवाइस देगा, सर्वोच्च न्यायालय। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ, आर्टिकल नंबर 143, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रपति के पास कोई बाध्यता नहीं है ना कि इसका डिसीजन को मतलब ये क्या है, सजेशन बस दिए ना, तो जरूरी नहीं है सजेशन को एक्सेप्ट किया जाए, अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो भी ठीक, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति। देखो अगर विवाद होता है ना किसी भी टाइप का, जैसे दो राज्यों के बीच आपस में हो गया, ठीक है हम लोग देख लेते हैं ना, एक राज्य है ठीक है S1, एक राज्य है S2, इन दोनों के बीच आपस में लड़ाई हो गया, एक राज्य है S1, एक राज्य है S2, एक राज्य है S3, एक राज्य है S4, ये तीनों एक साइड और दूसरा स्टेट एक साइड, एस मतलब स्टेट के बारे में बात करें ना,
तो S1, S2, S3, S4, मतलब दो तीन स्टेट एक साथ आ गए, उसके अगेंस्ट एक और स्टेट है, इस टाइप का भी बात हो जाता है। या फिर ये एक स्टेट है, इसके अगेंस्ट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, इन दोनों के बीच भी बात हो गया। या फिर बहुत सारे अलग अलग राज्य और उनके अगेंस्ट हो जाता है, यूनियन गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट वो हो जाता है, विवाद हो जाता है, इन दोनों के बीच हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोला जाए। तो इस प्रकार के किसी भी टाइप का विवाद होता है ना, तो सबका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये कौन सा अधिकार है इसका? ये इसका बेसिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर ये डिसीजन मतलब कोई और भी दे सकता है, हाई कोर्ट दे सकता है, दोनों का हाई कोर्ट दे देगा, ऐसा वाला बात नहीं है। देगा डिसीजन अकेला कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। और अगर संसद ऐसा कोई पावर किसी और कोर्ट को प्रोवाइड करता है तो फिर बात अलग है। बाकी अभी तक ऐसा कोई किसी और कोर्ट को प्रोवाइड नहीं किया गया है कि अगर किसी दो राज्य के बीच युद्ध, मतलब युद्ध इन द सेंस विवाद अगर होता है किसी टॉपिक पे, तो उसका डिसीजन कोई और कोर्ट देगा, ऐसा अभी तक नहीं बोला गया। तो अभी तक ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ये उसका मूल अधिकार है, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।